पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। नतीजा यह हुआ कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों में पथराव हुआ और एक पक्ष से 9 लोग घायल हो गए, जिसकी दूसरे पक्ष से कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले को आपसी विवाद बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर में आज मतदान के दौरान गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में कुछ मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ चौकेबाजी व हाथापाई करते हुए कार्रवाई की। दूसरे पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी, जिस पर उसे थाने में ले जाकर बैठा लिया। आरोप है कि पुलिस ने भी बिना कार्रवाई किए उसको छोड़ दिया, जिस पर दूसरे पक्ष आग बबूला हो गए और गांव में इसी बात को लेकर पथराव किया गया। पथराव में 9 लोग घायल हो गए। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। घायलों को पड़ोस के ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कह रही है कि दूसरे पक्ष के लोग अभी थाने पर नहीं आए हैं। मामला आपसी विवाद का है और कार्रवाई की जा रही है। इसका मतदान या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सही आएंगे कौन पथराव कर दिया, किस किस का क्या रोल है, वो चेक करके हम कार्रवाई। एफआईआर किस पक्ष से लिखी गई है? एफआईआर वो सुनील पार्टी के तरफ में लिखा है। कौन थप्पड़ मारा है नंद किशोर, वो प्राइम अक्यूज्ड है। उनके अलावा 8 लोग नाम जाते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएंगे किसका क्या।